प्रयागराज मामले में लगातार विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने भी आज ट्वीट किया, मायावती ने ट्वीट किया, जिसमें कि बसपा ने आरोप लगाया है कि अतीक अहमद जो हैं वो समाजवादी पार्टी के प्रोडक्ट हैं। इस पर हमसे ज्यादा बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद जी मौजूद हैं। सर, प्रयागराज का जो मामला है, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जितने भी अपराधी हैं जो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन अभी भी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चल रहा है कि वो उनके प्रोडक्ट हैं। मायावती जी ने आज कहा कि समाजवादी पार्टी के देखिए, प्रोडक्ट हैं तो मार्केट कहाँ, किसको मार्केटिंग उसका कौन कर रहा है। हम लोग तो प्रोडक्शन हाउस भी खत्म कर रहे हैं और आज के दिन में मार्केटिंग भी खत्म कर रहे हैं। अब कोई भी अपराधियों की कोई जगह नहीं है, उसकी जगह जहाँ वही है आज के दिन में। ठीक है, घटना हो गई, उसकी निंदा करते हैं, लेकिन ये भी तय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी ठान लेते हैं उसे करते हैं, निश्चित रूप से जांच कराते हैं। उसमें दोषी जो पाया जाता है, कितना बड़ा रसूखदार हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसमें भी जांच चल रहा है, इसमें भी पकड़े जाएंगे और जो इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना बड़ा रसूखदार होगा। और आज के दिन में हमारी सरकार इस व्यवस्था माफिया खत्म, अपराध मुक्त हो गया था, इसीलिए आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। ऐसे कुछ पेशेवर किस्म के लोग हैं जो 25 करोड़ की आबादी है, निश्चित रूप से छुपे रहते हैं और जैसे लोग बाहर आ रहे हैं उनके खिलाफ हमारे सरकार। यादव जी ने आज बात की मीडिया से, तब उन्होंने ये बात कही कि 5 से 6 साल हो गए हैं बीजेपी सरकार को और फिर भी ऐसे अपराधी अभी उत्तर प्रदेश में हैं, तो ऐसे में अपरोक्ष रूप से उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि संरक्षण बीजेपी दे रही। तो जेल के सलाखों में जो बंद है, जो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करी हुई, उसके साथ भी उसका भी तो समर्थन करें कि इतना काम सरकार ने किया है। ठीक है, घटना निंदनीय है, इसके लिए आप सवाल उठा रहे हैं, तो ये भी इसमें भी पर्दाफाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूंगा उनके समय में क्या होता था ये भी देख लें कि किस तरीके की जवाहर घटना हुई थी, किस तरीके से मुजफ्फरनगर घटना हुई थी। सर, कोई ऐसी सरकार नहीं हुई, इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं और उस समय उनके फेल्योर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो मानते हैं कि वो फेल्योर है एक दिन का, एक जगह का, लेकिन पूरे प्रदेश में हम सफल हैं। निश्चित रूप से छिटमुट कहीं कहीं ऐसा फेल्योर होता है, उसको हम लोग आगे कोशिश करें ऐसी घटनाएं ना हो। अभी इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है कि मुख्यमंत्री ने जब से आदेश दिए हैं जांच लगातार चल रही, मगर अभी कुछ क्या प्रोग्रेस हुआ है प्रयागराज में? अरे, मैंने जैसे पता चला माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को निर्देश जारी कर दिया। अब वो प्रशासन का काम है, प्रशासन की व्यवस्था है, वो अपने हिसाब से काम कर, समय आने पर सब कुछ मिल जाएगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए थे संजय निषाद जी। इनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह की ये घटना है इस पर मुख्यमंत्री जी ने पूरा संज्ञान लिया हुआ है और जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही होगी। साफ है कि विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, जिसके लिए बीजेपी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। कैमरामैन सरजीत के साथ मैं विक्रम राठौर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।